होम रेस्टो। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया से मजेदार सा स्टार्टअप, घर पे बिना तंदूर के गैस पे बनाएंगे अफगानी सोया चाप, जो बहुत इजीली बन जाएगा। कोई तामझाम नहीं है, आप ये नहीं सोचेंगे कि रेस्टोरेंट से ही मंगा सकते हैं, घर पे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अफगानी सोया चाप के लिए सबसे पहले तो चाप ले लेंगे, ये मैंने मार्केट से मंगवाया हुआ है। और इसको क्या करेंगे कि जो ये इसके अंदर ना स्टिक होता है, तो इसको हम निकाल देंगे, खींच के निकालेंगे, बहुत इजीली निकल जाएगा। अब इसे कट कर लेंगे, तो छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। चाप को तो ऐसे काट लिया है टुकड़े में, अब इसे फ्राई करना है, तो चलते हैं गैस की तरफ। चाप को फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जो ये टुकड़ों में कटा हुआ है इसको डालेंगे। और अगर आप इसको जैसे चाप जो मैंने टुकड़े में काटा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको खड़े में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने एक बनाया हुआ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने वैसे भी किया हुआ है। तो बस टुकड़े में डालते जाएंगे टुकड़ों को कढ़ाई में, और थोड़ा गैस जिस देंगे उतना ही डालेंगे। इसको हमें फ्राई करना है, गैस जो है फुल फ्लेम पे रखेंगे, और जैसे ही नीचे से हो जाएगा इसको पलट देंगे और एक बहुत ही बढ़िया सा ब्राउन कलर तक इसको लाना है। तो ये बस होने लगा है, तो इसको ऐसे ही उलट पलट देते हैं और अच्छा सा एक ब्राउन कलर ले आते हैं। अभी चाप जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, ऐसे ही कलर हमें ले आना है, और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो और चाप है वो भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो चाप तो हमारे जो है फ्राई हो गए हैं, अब उसका मैरिनेशन का मसाला हमें तैयार करना है। तो इसके लिए एक कटोरी दही ले लेंगे और इसी में डालेंगे 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 चम्मच ले लेंगे इसमें क्रीम, और हरी मिर्ची का पेस्ट डालना है। तो ये जैसे कि मैंने हरी मिर्ची लिया और उसको मिक्सर में चला दिया बहुत थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्च है ये। इलायची पाउडर डाल देंगे जिससे इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सफ़ेद काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, अगर हो तो आप डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे, अफगानी सोया चाप है तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, यहाँ पे आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये मैरिनेशन तो अच्छे से हो गया है तैयार बिल्कुल, तो अब इसमें डाल देते हैं जो ये हमने फ्राई करके चाप रखा हुआ है, तो वो मिला देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, चम्मच से मिक्स कर देंगे या हाथों से भी कर सकते हैं, खूब अच्छे से हमें मिक्स करना है। और ये हमने कुछ ऐसे प्याज का स्लाइस में ऐसे काटा हुआ है जैसे स्क्वायर शेप में, और टमाटर ले लिया है, यहाँ पे आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, अभी मेरे पास शिमला मिर्च नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसी में डाल देंगे जो मैरिनेशन में डाला हुआ है ना चाप, इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हाथों से कर देते हैं क्योंकि अब इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा एक साथ चली गई हैं, तो फिर टूटने का डर हो जाता है थोड़ा। अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं। अब इसे हमें तंदूर करना है, तो जो ये मेरे पास तो जैसे बैगन वगैरह भरता बनाते हैं, तो फ्राई करने के लिए मेरे पास स्टैंड है, उसी पर फ्राई हो जाएगा बड़े आराम से। तो इस पर पहले कोई भी कुकिंग ऑयल अच्छे से लगा देंगे, अगर आपके पास सीख हो तो आप डायरेक्ट सीख में लगा के और इस पर आप आराम से तंदूर कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तेल लगाने के बाद से मैंने गैस को जला दिया है और इसको रख देंगे, जो ये हमारा मैरिनेशन में गया हुआ है चाप वो रखते जाएंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे। अब बीच बीच में टमाटर भी डाल देंगे और जो प्याज है वो भी डाल देंगे, साथ में ही पक जाएगा। जैसे ही एक तरफ से होने लगे तो इसको क्या करेंगे, चिमटा से पलटेंगे, तो चिमटे से उठाएंगे और इसको पलटते जाएंगे। ऐसे ही हमें पकाना है, और एक तरह से आधा से ज़्यादा ही कुक्ड है पहले ही, जो मैरिनेशन का हमने डाला है मसाला वही हमें पकाना है, बस ऐसे ही पलटते जाते हैं सबको। ये आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से हो गया है, जैसे इसको ऐसे उलट पलट करते जाएंगे, थोड़ा सा हैंडल पकड़ के घुमाते भी जाएंगे। बीच बीच में गैस तो हम घटा बढ़ा सकते हैं, अपने वो ऊपर है,
और जैसे मसाले जो इसमें कोटिंग हुई है ना, वही बस हमें पकाना है, सुखाना है, क्योंकि ये तो हमारा चाप जो है ऑलरेडी अच्छा खासा पका हुआ है। तो इसको ऐसे ही उलट पलट करके इसको सेक लेना है। जैसे ही लगे कि जो ये चाप हो जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम प्लेट में निकालते जाएंगे, क्योंकि बीच में जो साइज आ रहा है वो अच्छा खासा जल्दी हो जा रहा है। तो इसको प्लेट में निकालते जाएंगे और बाकी के जो चाप है और इस पे डालते जाएंगे। चाप जो तो है ये तो बहुत आराम से हो गया है, गैस पे तंदूर हो गया है, और ये देखेंगे तो सॉफ्टनेस भी इसकी है अच्छी खासी। तो अब इसको क्या करना है, हमें कट करना है। इसको कट कर लेंगे, आप चाहें तो चार टुकड़े में कर सकते हैं, जितना छोटा पीस आपको रखना हो। मैं यहाँ पे दो टुकड़े में कर रही हूँ, इसके दो दो पीस कर देंगे। और इसके अगर चार पीस करने हो तो मेरे ख्याल से छोटा हो जाएगा, तो अपने हिसाब से आप दो दो तीन तीन पीस कर सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे गहरा सा और इसमें डाल देंगे, और साथ में जो ये प्याज और टमाटर हमने भुना था ये भी डाल देंगे। अगर प्याज का लगे कि इसका छोटे टुकड़े करने हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं, तो इसको साथ में डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे क्रीम, तो क्रीम अच्छा खासा इसमें जाता है। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद हो तो यहाँ पे आप ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने इच्छा के हिसाब से हम यहाँ पे क्रीम डालेंगे भर भर के। अब इसमें डालेंगे बटर, तो बटर जो है रूम टेम्परेचर होना चाहिए, इसको फ्रिज से बाहर निकाल दें। अब यहीं पे डाल देंगे चाट मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर लगे कि क्रीम की ज़रूरत और है, आप अपने पसंद के हिसाब से, जैसे और ज़्यादा क्रीमी पसंद हो तो यहाँ पे क्रीम और बटर का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अफगानी सोया चाप तो मस्त बन के तैयार हो गया है, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है और मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया है, तो ये तो रेडी हो गया है। अब इसे सर्व कर देते हैं। तो बन गया ना बहुत ही मजेदार स्टार्टर घर पे, कितने आराम से बन गया है। अभी जैसे फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं, गेस्ट आना जाना लगा रहता है, तो आप भी बनाइए और खिलाइए सबको। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे और रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मजेदार रेसिपीज़ के साथ, थैंक यू।